लास्ट टाइम हमने सुनो चंदा सीज़न 3 के बारे में वीडियो 29 अप्रैल को बनाई थी, उसके बाद कोई कंटेंट आया नहीं तो हम वीडियो ना बना सके। थोड़ी रीकैप कर लें तो लास्ट टाइम बात हो रही थी मैम साइमा करम चौधरी के, जब ये दो ड्रामा जीट हुए थे चौधरी एंड सन्स और हम तुम, तो उन्होंने खुश होकर कहा था कि मैं अब सुनो चंदा सीज़न 3 को लिखूंगी। जब उन्होंने ये कहा तो कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो कि इस ड्रामे में काम कर चुके हैं उनकी कॉल आई कि हमारा रोल मत लिखेगा, हम नहीं काम करना चाहते, शूटिंग लंदन में होगी तो हम काम करेंगे। ऐसी कई बातें उन्होंने की जिससे वो दिल बर्दाश्त हो गई और उन्होंने कहा कि मुझसे मिन्नतें नहीं होती सबकी, ना डायरेक्टर की, ना प्रोड्यूसर की, किसी की, ना एक्ट्रेस की, मैं ये ड्रामा नहीं लिखूंगी। मेरे नए ड्रामे आ रहे हैं, नीली कोठी और इस्सा के 3-4 नाम उन्होंने लिए थे, बस वो आपको देखने को मिलेंगे, आप भी इसको भूल जाएं। तो मुझे भी लगा कि शायद अब गेम खत्म हो गया, जब राइटर ने कह दिया कि वो नहीं लिखेंगी तो फिर अगर वो लिखेंगी भी तो शायद अच्छा ना लिखा जाए, प्रोड्यूसर इसे एक्सेप्ट ना करें, कंटेंट टीम जो है हम टीवी की वो इसे प्रूव ना करें क्योंकि वो खुद ही लिखना नहीं चाहती अब। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो समी खान है जो इस मतलब सुनो चंदा में जिया के छोटे भाई बने होते हैं, उनका एक इंटरव्यू आया फ्यूशिया पर और उसमें उन्होंने कहा जितने भी सुनो चंदा के फैंस हैं रेडी रहिएगा बस कि सुनो चंदा के फैंस रेडी रहें, कुछ अच्छी खबर आने वाली है, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये लड़का जो कि इस कास्ट का हिस्सा है, अगर इसे कोई ग्रीन सिग्नल मिला है तो शायद अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से ये उम्मीद अब लग गई है कि ये सीज़न 3 हमें 2023 के रमज़ान में ज़रूर देखने को मिलेगा। और मुझे भी लगता है क्योंकि इकरा अज़ीज़ ने अभी तक कोई ड्रामा ऑफिशियली साइन नहीं किया और अभी तकरीबन इस साल का मिड होने वाला है तो अभी तक उन्होंने कोई ड्रामा साइन नहीं किया, तो अगर करती भी हैं तो उनके पास उसके बावजूद भी काफ़ी टाइम होगा कि वो सुनो चंदा सीज़न 3 कर सके। फरहान सईद के जो अपकमिंग ड्रामास थे, प्रोजेक्ट्स थे, वो सबकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, रुसवाई हो या भी उनका जो मेरे हमसफ़र आ चुका है, बादशाह बेगम भी हो चुका है, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी शूटिंग कंप्लीट है। तो अब देखते हैं कि सुनो चंदा सीज़न 3 2023 में आता है, यानी एक ग्रीन सिग्नल, एक होप दोबारा से मिल गई है। और आप ये इंटरव्यू जाकर देख भी सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, बल्कि उन्होंने जो स्टार्ट में प्रोमो आता है पूरे मतलब इंटरव्यू का, उसमें उन्होंने ये सीन दिखा दिया है, तो आप ये इंटरव्यू जाकर देख सकते हैं। मुझे ये कॉन्टेंट मिला है, ये सिग्नल मिला है, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बताएं कि आप सुनो चंदा सीज़न 3 का कितना वेट कर रहे हैं, या आपने अभी तक ये दोनों सीज़न नहीं देखे? जिन्होंने तो नहीं देखे तो वो तो अभी लाजमी देख लें, ताकि आपको भी फील हो कि हम इसके बारे में इतनी वीडियोस क्यों बनाते हैं या इसे इतना प्यार क्यों करते हैं। और बाकी अपनी एक्साइटमेंट यहाँ भी शो करते रहिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम ही बात करते हैं और तो कोई बात करता नहीं सोनो चंदा सीज़न 3 के बारे में। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी टाइम मिले, इधर उधर जो लोग हैं इसके, साइमा करम चौधरी या फिर जो इसकी कॉन्टेंट टीम है हम टीवी की या फिर मोमिना दुरैद प्रोडक्शन है, को टैग करते रहिएगा कि हमें सुनो चंदा सीज़न 3 चाहिए, इसे 2023 के रमज़ान में लाजमी लेकर आए। तो मुझे अपनी एक्साइटमेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई भी पेशरफ्त होती है मज़ीद तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।